हे गाइस, माय नेम इज वीरेन सिंह। कैसे हैं आप लोग? एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। कई बार पूछते हैं कि सर, हम प्रेजेंट में कैसे जिए, हम हैप्पी कैसे रहें, या हम जो है उस सिचुएशन को कैसे जिए। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो 99% ऑफ द पीपल इस पर्टिकुलरली जनरेशन में फ्यूचर में जी रहा होता है या पास्ट में जी रहा होता है। प्रेजेंट में जीना बहुत कम लोग करते हैं। व्हाट इज लिविंग इन प्रेजेंट? आप प्रेजेंट में होके भी प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, और इसी वजह से जो है हम ज्यादातर अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, लेस एंथुजियास्टिक फील करते हैं। इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? मैं बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिंपल शब्दों में बात करूंगा आपसे। तो सिंपल, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, यार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो जिंदगी कुछ और होती, मैं वो एग्जाम कर लेता तो कुछ और होता, 50% टाइम आप ये सोच रहे होते, 40% टाइम आप ये सोच रहे होते कि अगर CSIR हो जाएगा तो ये करेंगे। आप सोचिए, आप फ्यूचर में सोच के प्रेजेंट को कैसे बेहतर कर सकते। आपको प्रेजेंट को बेहतर करना है तो प्रेजेंट को सोचना पड़ेगा। प्रेजेंट में आप अपने माइंड को फ्यूचर में रखे हो, आपकी बॉडी प्रेजेंट में है, तो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा? अपने माइंड को फ्यूचर के हिसाब से सोचना अच्छी बात है, फ्यूचर के बारे में भी सोचना अच्छी बात है, बट नॉट ऑल द टाइम। गोल सेट करना अच्छी बात है, उस पे चलना अच्छी बात है, दूरदर्शी होना अच्छी बात है, बट नॉट ऑल द टाइम। जैसे कि गाड़ी चलाते वक्त आपको दूर भी देखना होता है, नजदीक भी देखना होता है। सिर्फ दूर देखोगे तो नजदीक टकराओगे, और नजदीक देखोगे तो दूर से टकराओगे। यू हैव टू बैलेंस, दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ता है। और जब आप दोनों को बैलेंस करोगे तभी आप जो है अच्छे से ड्राइव कर पाओगे अपनी जिंदगी की कार को। हाउ टू मेक इट बैलेंस? ट्राई टू डू इट एवरी डे अगर पॉसिबल है, या ट्राई टू डू इट फॉर एटलीस्ट वन डे, और फील करना कि क्या लाइफ में कुछ चेंजेस है। व्हाट एवर साउंड, व्हाट एवर एनर्जी, व्हाट एवर थिंग्स अराउंड यू जो है वो चल रहा है, उसको ऑब्जर्व करो कि हाँ, ये लाइट जल रही है, ये पर्दा है, ये चेयर है, ये आपके पास स्टूल है, यहाँ पे कप रखा हुआ है व्हाइट कलर का, सो आई एम, ये मैं सूट कर रहा हूँ, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है, मेरी पहली एकेडमी लिखी हुई है, साउंड जो आ रहा है वो फैन का साउंड आ रहा है। इस तरीके से जो है एवरीथिंग जो आप ड्राइव कर रहे हैं, तो कौन किस कलर का टी शर्ट पहन के जा रहा है, कौन जो है गाड़ी ड्राइव कर रहा है, किस कलर की कार ड्राइव कर रहा है, पत्तियाँ जो है झरझर किलकिल कर रही हैं, चिड़ियाँ चहक रही हैं, और जितनी भी आवाजें, जितनी भी एनर्जी, जितने भी कलर्स, जितने भी लोग, जितने भी चेहरे, जितने भी एक्सप्रेशंस, जितने भी थिंग्स आपके अराउंड है, उसको ऑब्जर्व करो जहां पे भी हो। ट्राई टू डू इट विथ यू एवरी डे। जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप प्रेजेंट में कैसे एनर्जी को ले सकते हैं, आपको अच्छा फील होगा। आप देखेंगे कई लोग खुश है, कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान नहीं है, कई चीजें बहुत ब्यूटीफुल है जिसे आपने कभी नोटिस ही नहीं किया। कभी आप कहते हैं पत्तियों का लहलहाना सुन के देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड है। कभी चिड़ियों का चहकना सुन के देखिए, ब्यूटीफुल साउंड। पानी जो गिरता है कल कल, चाहे वो आप नहाने भी जाते हैं तो टप टप जो पानी आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल साउंड। क्लोज योर आईज, ऑब्जर्व द साउंड, ऑब्जर्व द एनर्जी विथ योर आईज। इट विल हेल्प यू टू लिव इन प्रेजेंट, it will help you to energize, it will help you to make a vibrational resonance with your energy. जितनी एनर्जी आपके सराउंड होंगे उनसे रेजोनेंस बनाने में कोशिश करेगा। आप यहाँ पे बैठे हैं और अपनी एनर्जी का रेजोनेंस फ्यूचर में बना रहे हैं, कहाँ पॉसिबल है भाई? वो एनर्जी कहीं और, आपकी एनर्जी कहीं और। ये तब होगा जब आप पहले जहां हो इससे रेजोनेंस बनाओ, और जब ये बनाओगे तब आप बेटर उठोगे। So that's why make a resonance with current energy, with current environment, with current situation. Then it will help you to grow inside. It will help you to become happy. खुश रहेंगे, अच्छा feel करेंगे, enthusiastic feel करेंगे, energetic feel करेंगे, और जब feel करेंगे तो it will help you to achieve your dreams. So, कैसा लगा ये वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।